हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल की एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभय और आ चुके हैं आप अपने चैनल एटीएच अभय डेट्स में। तो आज हम लोग बात करेंगे, कोई मैच की बात आज हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो कि काफ़ी क्वेश्चन इस टाइम पे चल रहा है, वो है विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल, कौन ज़्यादा वर्ल्ड कप में रन बनाएगा। तो आज हम लोग करेंगे इसी की बात। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए, क्योंकि आपको ऐसे मिलती रहेंगी वीडियोस आगे भी। तो मुझे भी 1.15 के का माइलस्टोन कंप्लीट करना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो कायदे में, बता रहा हूँ मैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। उससे पहले हम अपने चैनल की जो प्रथा है वो करते हैं, जो कि है इंट्रो। एडिटर साहब इंट्रो लगाओ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये कंपैरिजन उतना ही फालतू है, नहीं इसको इंग्लिश में जोक मारता हूँ, अच्छा लग गया। दिस कंपैरिजन इज एज यूजलेस एज अनिल कपूर्स कैरेक्टर इन स्लमडॉग। तो पहले इन दोनों का स्टैट कंपैरिजन कर लेते हैं। वैसे तो विराट कोहली बहुत ज़्यादा मैच खेल रहे शुभमन गिल से, इसलिए हम लोग कंपेयर करेंगे जब से शुभमन गिल ने खेलना शुरू किया है तब से करेंगे, मतलब 2022 या फिर 23, ये मिड में जो था 2023 के मिड में तब से शुरू किया था ना, शायद ऐसा ही जब से शुरू किया तब से हम इनका कंपेयर करेंगे दोनों का आपस में। तो ज़्यादा पुराने मिल नहीं रहे थे स्टैट, इसलिए 2023 का हम लोग देखते हैं। 2023 में जो है विराट कोहली ने बनाए हैं 16 मैच में 13 इनिंग खेली, जिसमें 11 आउट रहे हैं, 2 नॉट आउट रहे हैं, रन्स हैं 612, हाईएस्ट इसको 166 जो इनका सीलिंग का खिलाफ था, और इनका एवरेज है 55.63। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर जो कि विराट कोहली का कम है, सुमन गिल का हाई है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। उसके बाद स्ट्राइक रेट विराट कोहली का 112 जो कि थोड़ा ज़्यादा है, और सुमन गिल का 185 का। 200 सुमन गिल ने एक मारा, सबसे कम एज में 200 मारने वाले खिलाड़ी बने थे, ये सबको याद है। 100 मारे सुमन गिल ने 4, 50 मारी हैं 5, 0 डक एक बार हुआ है, 94 मारे हैं 139, छक्के मारे हैं 29। उसके आगे की भी कुछ लिखा है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और विराट कोहली का है 94 मारे इन्होंने 54, छक्के मारे 15, 50 मारी हैं 2, डक नहीं हुआ इस साल, ये बहुत अच्छी बात रही। 100 इन्होंने 3 मारे, 200 इनका भी बना नहीं है। और जो इसके आगे लिखा है, 6 के आगे लिखा है, वो है इनका है ये क्या है पता नहीं गाइस, ये जिसने भी लिखा है पता नहीं कौन सा शॉर्ट कौन सा व्हाट्सअप यूज़ करता था जो इतना शॉर्ट फॉर्म उसने दिया है, तो मैं इतना भी नहीं समझ पा रहा कि मतलब क्या है, क्या वो कहना क्या चाह रहा है। 618 होगा कुछ, क्या करना है अपने को। तो ये है स्टैट 2023 का। तो इसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग का मेन मतलब वैसे भी रन से, तो रन जो है वो शुभमन गिल के 2 गुना है विराट कोहली से, जबकि मैं सिर्फ कितने 7 ज़्यादा खेले हैं, बस इनिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इनिंग में 7 ज़्यादा खेले शुभमन गिल ने, उनके इतने ज़्यादा हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शुभमन गिल का फॉर्म कितना बढ़िया चल रहा है। पर इतना आसान भी नहीं हो, क्योंकि जितना अच्छा फॉर्म चल रहा है बॉलर उतना उनके खिलाफ प्लान बना के आएंगे। एबी डिविलियर्स ने तो कह दिया कि इस साल के लीडिंग रन स्कोर शुभमन गिल है, तो उनकी तरफ से मैं वो एग्री करता हूँ, पर मुझे ये भी लगता है कि विराट कोहली शुभमन गिल ज़रूरी नहीं, यही दोनों कोई और भी हो सकता है तीसरा, तो हम लोग इतना श्योर नहीं हो सकते किसी बात को लेके कि अभी कौन होगा। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या कौन बना सकता है। तो मैं अभी आपको ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि जो इस बार का हाईएस्ट जो रन स्कोरर होगा इन दोनों में से, अगर ये दोनों में से हुआ कोई, तो वो होगा। देखो अपने को कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं है, तो भले चाहे जो आप क्यों इस पर स्ट्रेस ले रहे हो कौन होगा, दोनों खेल तो इंडिया के लिए ही रहे हैं, जो भी हो फ़ायदा इंडिया के, इंडिया वर्ल्ड कप जीते, बस मेन मुद्दा तो यही है कौन है कौन नहीं, इससे क्या करना अपने को, बस वर्ल्ड कप जिताए इंडिया एकदम मस्त, एकदम ट्रॉफी लेके आए, ट्रॉफी लेके क्या है तो इंडिया में ही मतलब। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे इस वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि देखो शुभमन गिल विराट कोहली दोनों इंडिया के लिए खेलते हैं, तो आप बेकार में स्ट्रेस ले रहे हो कौन अच्छा खेलेगा कौन नहीं, खेलेंगे दोनों अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ रोहित शर्मा बन जाए तो भी बहुत अच्छा है, कोई बन जाए इंडिया का ही, कोई बन जाए इंडिया का ही बने, मैं तो सोच रहा हूँ ज़्यादा चांसेस। वैसे बाहर का ही बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपनी मेहनत से बन रहे हैं, कौन सा वो ऑस्ट्रेलिया जैसा काम कर रहे हैं थोड़ा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी ऐसी बाकी वीडियोज़ भी देखते रहें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय।